गोप्यः कामाद्भयात् कंसो देशात् चैद्याद्यो द्रव। गोपियों ने प्रेम किया काम से, कंस ने प्रेम किया भय से, शिशुपाल ने प्रेम किया द्वेष से, कैसे भी कनेक्शन तो हुआ। एक बात बताओ, आपको प्रेम करने वाले का स्मरण ज्यादा होगा या गाली देने वाले का? गाली देने वाले की याद ज्यादा आएगी या प्रेम करने वाले की? कुछ लोग कह रहे हैं प्रेम करने वाले की, कुछ लोग कह रहे हैं गाली देने वाले की। याद किसकी ज्यादा आएगी, गाली देने वाले की या माला पहनाने वाले की? कुछ कह रहे हैं गाली देने वाले की, कुछ कह रहे हैं माला पहनाने वाले। अब जिसने गाली खाई है उसे पता होगा, और जिसने माला पहनी है गाली नहीं खाई उसे उसका पता होगा। पर यह बात सही है, जिसने गाली दी उसकी याद ज्यादा आती है। अगर आप संसार में हो तो संसार ही है ना, हम लोग कलयुग ही है, संसार में ही तो रहते हैं। उदासीन तो अभी हुए नहीं, संसार से तो ऊपर उठे नहीं। कहने का मतलब, भगवान से प्रेम तो सब कोई करता है, पर भगवान से दुश्मनी तो कोई बिरला ही रखेगा। कंस ने दुश्मनी रखी, और दुश्मन का चिंतन ज्यादा होता है। शिशुपाल तो भगवान को खूब गाली देता था, दिन में 100 गाली तो देता ही देता था, और जब तक गाली नहीं देता तब तक पानी नहीं पीता था। हमारे स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि शिशुपाल तो पानी पी पी करके गाली देता था। पानी पी करके पहले तृप्त होता फिर गाली देना शुरू कर देता। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान से कैसे भी प्रेम हो। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।